अलहमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स ह्यूमन सेंस ग्रुप की जानिब से 24 सितंबर, 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को उमरा रवाना होने वाले आजमीन उमरा के लिए मजेस्टिक फंक्शन हॉल में एक रोजा तरबेती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तरबेती कैंप में जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खुद्दूस साहब ने मेहमान मुखरिर की हैसियत से शिरकत कर तमाम आजमीन उमरा को तवाफ और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के अलावा उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम सिखाए हैं। इस मौके पर अलहमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स से मोहम्मद उवैस कारीगर ने तमाम डिटेल बताते हुए कहा, इस ट्रैवल्स की खास बात जनाब हाफिज कलीम कारीगर हर उमरा ग्रुप के साथ अवेलेबल रहते हैं और बारीकी के साथ तमाम अहकाम सिखाए जाते हैं। गुलबर्गा शहर में मौजूद अलहमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से लगातार उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं, जिसमें खास बात अगर कोई मदीना में निकाह करवाना चाहता है तो उनके लिए भी स्पेशल पैकेज अवेलेबल है। और आने वाली 24 सितंबर और 2 अक्टूबर को रवाना होने वाले ग्रुप में हाफिज कलीम कारीगर की निगरानी में निकाह होने जा रहे हैं। 24 सितंबर की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है और आने वाली 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के पैकेज में अभी कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप गुलबर्गा दरगाह रोड बिसाइड इनामदार पेट्रोल पंप अलहमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमें मस्जिद नबवी में हमें दाखिल होना है। दाखिल होने के बाद जैसे ही हम मस्जिद नबवी में दाखिल होंगे, जब पहली नज़र हमारी गुंबद खजरा पर पड़ेगी, हम जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, क्योंकि फरमाया गया है कि 70,000 सुबह 70,000 शाम अल्लाह के मासूम मुकद्दस फरिश्ते मदीने में हाजिरी देने के लिए आते हैं। और जो फरिश्ता एक मरतब आता है, याद रखिए सुबह में 70,000 फरिश्ते आते हैं, जब एक मरतबा उन फरिश्तों में से आ करके चले जाते हैं तो कयामत तक उन फरिश्तों में से किसी की दोबारा वापस बारी भी नहीं आती मदीने में हाजिरी के लिए। वो मकाम है मदीना, जहां पर एक मासूम फरिश्ता अगर एक बार आए तो पूरी ज़िंदगी उसको दोबारा आने का मौका मैसर नहीं होता। लेकिन हम गुनहगारों पर ये हुजूर का करम है कि एक मरतबा जाएँ, अगर हुजूर को बुलाना हो तो हर रोज़ बुलाते हैं, हर दिन बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं, जब जब भी नसीब हो जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। वहाँ पर अदब के साथ हमें नमाज को पढ़ना है, उसके बाद वहाँ पर जितना हो सके खामोशी का मुजाहरा करना है। और वो रियाजुल जन्ना कहते किसे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा घर है उसके दरमियान और जो मस्जिद में जो मिंबर है उसके दरमियान का जो हिस्सा है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, हुजूर ने फरमाया है। तो वो जो जगह रखी गई है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उसको बना गया है, वहाँ पर एक मौका दिया जाता है रियाजुल जन्ना का टाइम बोल करके, उसमें जितना हो सकता है इबादत हमें करना। मदीना से एहराम की हालत में निकलेंगे, क्योंकि अब मस्जिद नबवी से हमें मदीना से निकलना है, हम उमरा की गर्ज से निकलेंगे, एहराम पहनेंगे। एहराम पहनने का आसान तरीका है, नीचे का हम उसको घीटी ना डालें, बेल्ट है बेल्ट इंतज़ाम करें, और जो ऊपर का कपड़ा होता है उसको पहन लेंगे इंशाल्लाह बताया जाएगा। एहराम पहनेंगे उसके बाद लब्बैक कहेंगे। उमरा करने का मकसद ही यही है, अब तक हमारे अंदर जो गलत काम थे, जो बुराइयाँ थीं, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो सकती है, उमरा करने के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म होनी है। कोशिश करें अल्लाह ताला का अगर फ़ज़ल शामिल हाल रहा, उसने अगर वो इबादतों को कबूल किया, तो इंशाअल्लाह ताला उम्रे के ज़रिए हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाएगा। वो उसके ज़रिए आप ढीला करें, टाइट करें उसको, इस तरह के क्लिप करके लगा लें, ये टाइट हो जाएगा। आप उसके अलावा जो भी करना है इसको ऐसे भी मोड़ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा हमारे ऊपर का एहराम, बल्कि इस तरह बगल में से कपड़े को नीचे निकालेंगे, नीचे से निकालने के बाद इस तरह कंधे पर डाल लेंगे और अच्छे से डाल लें ताकि वो बार बार खुले ना, ये हिस्सा खुला होना चाहिए। और जहाँ से हम हजरे अस्वद से शुरू करेंगे हमारा कांधा इधर होना चाहिए, ये हजरे अस्वद हमारा है, वहाँ से हम वहाँ से आ करके खड़े होकर के हमें हाथ उठा करके इस्तेलाम करना है। इस्तेलाम के बाद उसके बाद हमें पहला चक्कर मुकम्मल करना है। तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज में हम गरीबों के आका पे बे हद दुरूद हम फकीरों की सरवत पेला खो सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अलहमजा टूर एंड ट्रैवल्स ह्यूमन सेंस की जानिब से मजेस्टिक फंक्शन हॉल में उमरा तरबेती कैंप रखा गया था, जिसमें मेहमान मुखर्रिर मौलाना सैयद अब्दुल खुद्दीस साहब, खतीब व इमाम मस्जिद कलेरावा
किराना बाजार गुलबर्गा के मौजूद थे। अपने तफसीलात से हमारे तमाम ग्रुप के मेंबर्स को तमाम अरकान बताए और इसी साथ ही साथ तवाफ और मदीने मुनव्वरा की हाजिरी के भी अरकान बताए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 सितंबर और 2 अक्टूबर को जो है हमारी तरफ से ग्रुप रवाना होने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी सी की बात यह है कि 24 सितंबर और 2 अक्टूबर को जो ग्रुप जाने वाला है जिसमें मदीना शरीफ में निकाह है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ग्रुप हमारे मदीना शरीफ में निकाह करने वाले हैं और उनकी खिदमत के लिए हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद कलीम कारीगर इस वक्त मक्का शरीफ में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 ग्रुप मक्का शरीफ में मौजूद हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं आप तमाम गुलबर्गा के आवाम से अगर गुजारिश करता हूँ, अगर कोई मदीना शरीफ में निकाह करना चाहते हैं तो आप हमारे से राबता कर सकते हैं और हमारे पास जो निकाह के पैकेजेस हैं वो भी अवेलेबल है। आपको सब से सब चीज़ जो है आसानी से आसानी हम करके देंगे। और हमारा तरफ से जो है उम्रा के लिए हमारे हाफिज़ मोहम्मद कलीम कारीगर आपके साथ में रहेंगे और बिलखसूस जो है हमारे पास क्या है डीलक्स पैकेज अवेलेबल है जिसमें 8 अक्टूबर का भी बुकिंग जारी है और 2 अक्टूबर का भी अभी बुकिंग जारी है। अगर कोई हजरात ख्वाहिशमंद रखते हैं तो आप हमारे से रابطہ कर सकते हैं। हमारा ऑफिस एड्रेस है अल हमजा टूर एंड ट्रैवल्स बिसाइड इनामदार पेट्रोल पंप दरगाह रोड गुलबर्गा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।